नमस्ते, मैं हूँ गिरीश रामचंदे और आज के इस हीट के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे हीट की डेफिनेशन दी है। सबसे पहले, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू मॉलिकुलर वाइब्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब हीट जो है एक ऊर्जा का स्वरूप है। ओके, और जैसे अलग अलग ऊर्जा के स्वरूप होते हैं ना, जैसे कि केमिकल एनर्जी होती है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है या फिर लाइट एनर्जी होती है जिससे कि काम किया जा सकता है, वैसे हीट यानी गर्मी भी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है जिससे कि काम किया जा सकता है। और आगे जाके इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, रिलेटेड टू द मॉलिकुलर वाइब्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। मतलब गर्मी जब बढ़ती है, हीट जब बढ़ती है, तो मॉलिकुलर वाइब्रेशन मतलब रेणु का जो कंपन है वो कंपन यहाँ पे बढ़ता है। तो अगर हिंदी में अगर इस डेफिनेशन को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते तो कुछ इस तरीके से डेफिनेशन होगी, ऊष्मा एक ऊर्जा का स्वरूप है, पदार्थ में ऊष्मा यानी हीट जितनी ज़्यादा होती है उतनी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स जो है उसकी वाइब्रेशन यानी कंपन जो है वो ज़्यादा होने लगेंगे। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है लो हीट लो मॉलिकुलर वाइब्रेशन। तो यहाँ पे अगर हीट कम है तो मॉलिक्यूल्स या रेणु जो होते हैं उसकी जो कंपन है वो भी कम होते हैं। ओके, बाद में क्या दिया है, मीडियम हीट मीडियम मॉलिकुलर वाइब्रेशन। अगर हीट थोड़ी सी मीडियम होगी तो मॉलिकुलर वाइब्रेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। हाई हीट हाई मॉलिकुलर वाइब्रेशन, हीट अगर ज़्यादा होगी तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल एग्जांपल है, कोई भी चीज़ है जैसे कि पानी है हमारे पास में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो पानी है वो स्थिर होता है, उसमें कोई कंपन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे पानी को हम गर्मी देते हैं तो उसमें उबाल आ जाता है और वो पानी जो है वाइब्रेट करने लगता है। आपने खुद देखा होगा पानी को उबलते हुए, तो पानी के सरफेस के ऊपर उथल पुथल आपको दिखाई देती है साफ तौर से, तो उसमें क्या होता है, मॉलिकुलर वाइब्रेशन बढ़ता है। तो बेसिकली क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हीट। जैसे यहाँ पे लिखा है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक ऊर्जा का स्वरूप है और जिसके कारण मॉलिकुलर वाइब्रेशन जो है वो वाइब्रेशन यहाँ पे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे और एक चीज़ लिखी है, एडिशन ऑफ हीट इंक्रीजेस मॉलिकुलर एक्टिविटी। जैसे यहाँ पे है उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमें मैंने एक्सप्लेन किया, जितनी ज़्यादा गर्मी देंगे उतना मॉलिकुलर वाइब्रेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अभी नियम सब जगह पे लागू है, पानी के लिए लागू नहीं है। आप अगर लोहा भी गर्म करते हो, नॉर्मल टेम्परेचर में जो लोखंड होता है उसके मॉलिक्यूल स्थिर होते हैं, लेकिन जब उसका मेल्टिंग टेम्परेचर आता है लोखंड का, तब वो लोखंड भी क्या होता है, उसमें भी उबाल आ जाता है, वो भी वाइब्रेट करने लगता है। या मोम की बात करो, नॉर्मली जो मोम होता है या वैक्स होता है, कैंडल जिसकी बनती है, वो देखो नॉर्मली जो स्थिर होते हैं उसके मॉलिक्यूल जो, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब हम मोम को जलाते हैं तो पिघलने लगता है और मतलब उसके मॉलिक्यूल जो, उसमें वाइब्रेशन आ जाता है। और आप देख सकते हो मोम को पिघलते हुए, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स की भी वाइब्रेशन आ जाते हैं तो आगे जाके बहने लगते हैं। तो ये सारा जो कमाल है वो हीट का है, हीट देने से क्या हो जाता है, पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें वाइब्रेशन बढ़ती है। ओके, इसी का और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हीट के बारे में यहाँ पे एक पानी का और एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हीट दी है और यहाँ पे मैंने एक 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखा हुआ है और ये थर्मामीटर टेम्परेचर दिखा रहा है मान लो। तो टेम्परेचर जब कम होता है तो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है कि मॉलिकुलर का वाइब्रेशन कम है, और यहाँ पे सेम चीज़ है उसको मैंने एक्सप्लेन किया, एडिशन ऑफ हीट इंक्रीजेस मॉलिकुलर एक्टिविटीज़। यहाँ पे पानी को हम लोग ने 100 डिग्री सेल्सियस तक उबाल दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे मॉलिकुलर एक्टिविटीज़ चेंज हो गई। हीट के बारे में मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, जिसको हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। हीट देने से मॉलिकुलर एक्टिविटी बढ़ती है और दो चीज़ें यहाँ पे होती है, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में भी परिवर्तन हो सकता है। हीट जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे मॉलिकुलर एक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में क्या बढ़ेगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ओके, टेम्परेचर बढ़ेगा। सेकेंड थिंग क्या होती है, जब हम हीट ऐड करते हैं ना, एक तो मॉलिकुलर एक्टिविटी बढ़ गई, ये फर्स्ट हम उसको मान सकते हैं, सेकेंड टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और तीसरा मैं यहाँ पे बताऊँगा स्टेट जो होता है पदार्थ की, जो अवस्था होती है पदार्थ की, अवस्था में जो सॉलिड होता है। ओके, सॉलिड मतलब घन कहते हैं जिसको हम हिंदी में, सॉलिड स्टेट में जो भी पदार्थ होगा ओके, उसको अगर हम हीट देंगे तो हीट देने के बाद में उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस चीज़ को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जस्ट मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है। तो पहला तो हीट ऐड करने से मॉलिकुलर एक्टिविटी चेंज होगी, फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, और हीट ऐड करने से क्या हो सकता है, सॉलिड का लिक्विड भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे स्टेट या अवस्था जो है इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, अवस्था, तो अवस्था भी परिवर्तित हो सकती है। तो हीट के परिणाम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसमें मॉलिकुलर एक्टिविटी चेंज हो जाती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है और स्टेट भी यहाँ पे चेंज हो सकता है। मैं हमेशा ये नहीं कहूँगा टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर हीट निकालते तो टेम्परेचर कम भी हो सकता है, अगर हीट निकालते तो लिक्विड जो है सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, अगर हीट को हम कम करते हैं तो जो मॉलिकुलर एक्टिविटी है वो घट भी सकती है। तो ऐड करने से मॉलिकुलर एक्टिविटी बढ़ेगी और घटाने से हीट को मॉलिकुलर एक्टिविटी यहाँ पे कम होगी।
एक रूल है हीट के बारे में, इसको हम जानेंगे यहाँ पे। हीट फ्लोज नेचुरली फ्रॉम हाई टेम्परेचर सब्सटेंस टू द लो टेम्परेचर सब्सटेंस, मतलब गर्मी जो है ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर बढ़ती है। एक जस्ट एग्जांपल दिए, सूरज जो है सबको एनर्जी देता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर है। ओके, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहीं पे है। ओके, तो यहाँ से हीट कहाँ पे फ्लो होती है, अर्थ पे टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द सन कम है, तो हाई टेम्परेचर से हीट कहाँ पे आती है, यहाँ पे लो टेम्परेचर रीजन में आ जाती है। ओके, तो ऐसे हमेशा यही रूल फॉलो होता है, हीट जो है नेचुरली, या नेचुरली यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया नेचुरली, अगर हम नेचर के भरोसे रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हीट ऑलवेज जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाएगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, जैसे कि एयर कंडीशनिंग रूम है तो उसमें क्या होता है, समझो मान लो एयर कंडीशनिंग रूम है, ओके एसी रूम है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, तो यहाँ से हम हीट को बाहर निकालते हैं ना, ये अलग रूल है। ओके, ये अलग है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं नेचर का बात कर रहा हूँ। नेचर में क्या होता है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, लेकिन एयर कंडीशनर में हम ऐसा करते हैं कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में गर्मी को भेजते हैं। या फिर फ्रिज की बात करो, फ्रिज में ऑलरेडी टेम्परेचर जो है कम होता है, फिर भी हम फ्रिज की गर्मी जो है, ये फ्रिज है, यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, तो इसमें टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे लो है, फिर भी हम यहीं से गर्मी को क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं, तो यहाँ पे हम उल्टा काम करते हैं। तो ये एक अलग नियम लागू होता है यहाँ पे, लेकिन जो नेचर का रूल है, नेचर के हिसाब से हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर सब्सटेंस टू द लो टेम्परेचर सब्सटेंस, ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर ही हीट जो है बढ़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।